इक्कीस स्थानों की पुलिस आरआरएफ और ड्रोन कैमरे से नजर छुपाकर भाग रहे हत्यारे अश्विनी उर्फ जॉनी दादा ने खुदकुशी कर ली है। बिजनौर की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके इस हत्यारे ने चार दिन में तीन हत्याओं को अंजाम दिया था और पुलिस इसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। पुलिस की चेकिंग के दौरान शातिर हत्यारे ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बिजनौर से ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। 1 लाख का इनामी बदमाश जॉनी दादा कहा जा रहा है, जिसकी ओर से खुद को गोली मार ली गई है। एयर होस्टेस समेत तीन हत्याओं में आरोपी था जॉनी दादा। पुलिस चेकिंग के दौरान खुद को घिरा देखकर आत्महत्या इस बदमाश की ओर से कर ली गई है। बता दें कई मामलों में वांछित चल रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ वसीम अख्तर जुड़ गए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता। वसीम, क्या पूरी डिटेल्स इस पर? अंजलि, मैं बताना चाहूँ कि बिजनौर के इलाके में, जितने बड़ापुर में और सेवारा इलाके में, बड़ापुर में 2 कत्ल किया और सेवारा में 1 कत्ल किया था। उसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, ड्रोन की तलाश की गई थी, आरआरएफ को मंगाकर आरआरएफ ने तलाश की, मगर पुलिस को चकमा देकर जॉनी भाग कर रहा। और देर रात पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो वहां पर एक बड़ापुर थाने में पास में बस में पुलिस ने जब चेकिंग की तो उसने जॉनी ने वहां पर अपनी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और पुलिस इसे पुलिस की नाकामी के चलते ये सारा कांड हुआ है। जॉनी लगातार भागता रहा, कल पूरे दिन उसकी लोकेशन मिलती रही कि नगीने में है, मगर पुलिस तलाश करती रही। मगर पुलिस को दता बताकर जब वो बस से जा रहा था तो ट्रैकिंग के दौरान वो, क्योंकि पुलिस के हाथ नहीं लगना चाह रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो पुलिस के हाथ लगे, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। कब का है ये पूरा मामला, किस वक्त की है ये पूरी बात, और जिस वक्त जॉनी की ओर से आत्महत्या की गई पुलिस के सामने ही, क्या उस दौरान उसके साथ कोई और भी मौजूद था? वसीम, जो वहां पर कंडक्टर के और जो परिचालक के बयान आ रहे हैं कि उसने बताया कि जो दिल्ली से ये बड़ापुर डिपो की बस चलती है और वो जब रात में नगीने से 2 लोग वहां पर बैठे और जब वो रात में वो दोनों अकेले ही थे और जब पुलिस ने वहां पर उसमें थाने बड़ापुर थाने के सामने चेकिंग की तो एक ने मुंह पर मुंह ढक रखा था अपना, पुलिस ने उसे खुलवाने की कोशिश तो की तो उससे पहले ही उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, ऐसा कंडक्टर और जो परिचालक है उनका यही कहना है और पुलिस भी इसी बात को कह रही है कि उसने आत्महत्या कर ली है। चलिए ठीक, शुक्रिया आपका जानकारी वसीम देने के लिए।